माइक हो। सिकंदरा पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी हथियार लेकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए थाना क्षेत्र में सक्रिय है। इस घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सिकंदरा पुलिस द्वारा एक छापेमारी दल का गठन करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई और एक अभियुक्त को 2 पिस्टल और 2 गोली के साथ बरामद किया गया है। पूछताछ में उस अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि वे एक व्यक्ति की जान से मारने की कोशिश में लगा हुआ था और आज जो हथियार लेके वो सिकंदरा थाना अंतर्गत घूम रहा था वो इसी प्रयास को सार्थक करने के का उसका एक कोशिश था। सिकंदरा पुलिस की प्रभावी गश्ती, आसूचना तंत्र और निरंतर सतर्कता के कारण हम लोग इस बड़ी घटना को होने से रोकने में सफल हुए हैं। किसकी हत्या करना चाहता था सर ये कुछ साफ हो ये स्थानीय एक व्यक्ति हैं श्री शैलेंद्र महतो। अच्छा। तो उनको ये नुकसान पहुंचाना चाहता था और हम लोग को अभी जो गिरफ्तार अभियुक्त है उससे पूछताछ में यह बात पता चली है। हम लोग उनसे फर्दर पूछताछ कर रहे हैं और घटना के सभी संबंधित पहलुओं पर अनुसंधान के माध्यम से एक तथ्यपरक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पूर्व में भी उनकी हत्या के साजिश में ये जेल जा चुका था सर। जो इस गिरफ्तार अभियुक्त है उनका, जैसा कि मैं आप लोगों को आपराधिक इतिहास बताना चाहूँगा, सिकंदरा थाना में उन पर एक केस दर्ज है जिसमें हत्या का प्रयास के मामले में आपराधिक षड्यंत्र और हथियार की रिकवरी का उन पर एक केस है। साथ ही साथ जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन पर पश्चिम बंगाल में आसनसोल में हत्या का एक मुकदमा दर्ज है। हम लोग पश्चिम बंगाल की पुलिस से भी संपर्क में हैं और पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। इनके साथ और भी कोई पकड़ाए हैं सर? फिलहाल तो ये स्वयं गिरफ्तार हुए हैं और यह अनुसंधान का विषय है। हम लोग आगे की कार्रवाई के माध्यम से इस घटना से सभी जुड़े पहलुओं, अन्य संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ठीक। तारी की गई है देसी कट्टा के साथ एक युवक की, उस टीम में कौन कौन थे? टीम में सिकंदरा अंचल निरीक्षक श्री श्रीकांत कुमार जी, सिकंदरा थानाध्यक्ष श्री विजय कुमार, सिकंदरा से ही पुलिस अवर निरीक्षक श्री योगेंद्र यादव, तकनीकी शाखा के कर्मी महिला सिपाही 144 ममता कुमारी, साथ ही साथ BSAP-8 के सशस्त्र बल के जवान टीम में मौजूद थे। सूचना मिली थी गुप्त सूचना, उसी के आधार पर सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया था और इन सभी सदस्यों ने, टी छापेमारी दल के सदस्यों ने बेहद बहादुरी, बेहद कार्य कुशलता के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए एक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।